Hello guys, welcome back in my free zone. This is Bird. Abby. Today we are going to react or a react. Reacting to my old videos. 100K special Beast Boy show. बहुत दिनों से भाई साहब मैं बताऊँ बहुत दिन मतलब दो महीने से लेकिन एक चीज ये भी पॉजिटिव रहेगा ना इसमें भी कि हमने पुरानी वीडियोस नहीं देखी 20 वर्ष की तो मजा आएगा ना देखते हैं इसकी जो कटिंग जो किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट स्टार्टिंग कैसे बात की आज पूरी वीडियो तो नहीं डाल दी होगी तो पूरी वीडियो भी डालेगा स्टार्टिंग से स्टार्ट देखते हैं उसकी जर्नी कैसी रही है 1 lakh subscribers. जिसमें बहुत एक ऐसा सपना जो हर यूट्यूबर यूट्यूब स्टार्ट करते टाइम देखता है देखा था हमने भी मैंने भी देखा था इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए बहुत सारी वीडियोस लगी बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ा बहुत सारी गलतियां हुई अब जिस बीस बॉय शुभ को तुम लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते देखते हो वो फुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रहता है मस्त मौला रहता है एकदम मजे में मक्खन वीडियोस बनाता है रेगुलरली लेकिन कुछ टाइम पहले ऐसा नहीं था एक टाइम था जब सब कुछ उल्टा पुल्टा था वीडियोस जैसे तैसे बनती थी और आज हम लोग उसी टाइम में वापस जाने वाले हैं आज हम लोग उन वीडियोस को देखने वाले हैं जहां से इस 20 वर्ष के यूट्यूब करियर की शुरुआत हुई थी यह है मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो फ्रेंडशिप डे स्पेशल तुम लोग सोचोगे 20 वर्ष के आदमी था भाई पहली वीडियो फ्रेंडशिप डे स्पेशल बनाई थी एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं थी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में गेम प्ले यूज नहीं किया था मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में यूज किया था एनीमे एक एनिमेशन कार्टून यूज किया था लाइक पोलर बियर समथिंग एनिमेशन थी वो लेकिन एज मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी तो मैं उसकी साउंड निकालना भूल गया था उस एनिमेशन कार्टून की तो मैंने उसकी साउंड भी डाल दी म्यूजिक भी डाल दी अपनी साउंड भी डाल दी सब कुछ डाल दिया मैंने बढ़िया बनना चाहिए बस और उस एनिमेशन कार्टून की साउंड पर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया जी हाँ इस 20 बॉय शुभ के YouTube करियर की शुरुआत एक कॉपीराइट स्ट्राइक से हुई थी तो उस कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ी और फिर मैंने अपने वीडियोस में मजबूरन गेम प्ले डालना शुरू करा तो क्या हाल है आप लोगों के उम्मीद करता हूं भाई किसी जोर से बात नहीं ऐसा बढ़िया ही होगा यार भाई आज है फ्रेंडशिप डे और ये वीडियो खास मैं अपने हाँ मैं अपनी पुरानी वीडियोस में गालियां देता था बहुत ज्यादा शायद तभी मैंने यूज हेडफोन्स लिखा हुआ है मैंने इसे बाद में एडिट किया होगा बहुत से लोग मेरे इंट्रो पे बहुत बोलते हैं लाइक तो क्या हाल है आप लोगों के उम्मीद तो क्या हाल है आप लोगों के मैंने इस ट्यून को कुछ आगे आपने आने वाली वीडियोस में ऐसा कर दिया था क्या हाल है आप लोगों के ये थोड़ा म्यूजिकली लगेगा क्योंकि मेरे को सिंगिंग पसंद है लिटरली मैं अपने इंट्रो को लेके हमेशा से कंफ्यूज रहा हूं भाई क्या डालूं और अब तो Hey fellas, Beast Boy है ओ तेरा यार मुझे मैं भी तेरे को बैंड दूंगा पता जवाब क्या आया ये जवाब आया था तेरा रिस्पेक्ट है हमारी तो ये तो लड़कियों गालियां यार कितनी गालियां देता था पहले की मेंटालिटी मेरी ऐसी हो गई थी कि अगर तुम लोगों को YouTube पे व्यूज चाहिए और अच्छी ऑडियंस चाहिए तुम लोगों को गाली देनी पड़ेगी मैं इन रियल लाइफ गालियां नहीं देता था ना देता हूँ पहले भी कभी नहीं देता था कभी आदत बनी नहीं यार ऐसी कभी बनाई नहीं ऐसी आदत मैंने लेकिन लिटरली मेरी सारी पीछे की वीडियोस में दुनिया भर की गालियां भरी पड़ी हैं क्योंकि माइंडसेट ऐसा हो चुका था कि यार बस गालियां दो यूट्यूब पे व्यूज तुम्हारे मार वो दो और मारेंगे जब अच्छी तरह पिट जाएंगे ना तब भी बचाएंगे उसे नहीं मारेंगे सामने वाले को हमें बचाएंगे रहने दे मर मुर गया तो बहुत क्रिंजी है यार लाइक देखो शायद तुम लोगों को मेरी अब की वीडियोस और इस वीडियोस में कुछ ज्यादा फर्क ना लगे तुम लोग सिर्फ एक चीज देखोगे यार माइक खराब है बस लेकिन लिटरली मुझे इतनी सारी मिस्टेक्स पता है अब इसमें मैं कितनी इंप्रूव कर सकता हूँ ये वाली वीडियो हाँ तो भाई यार मैं भाई चल रहा हूँ ठीक है ओके बाय गया वो पूरा का पूरा बुलाने ही लग रहा बहुत गंदे तरीके से ओके यार बाय मैं चलता हूँ अपना ध्यान रखना यार और मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहना बाय और ये मेरा फर्स्ट Q&A क्या हाल है आप लोगों की उम्मीद करता हूँ यार सब बढ़िया ही होगा तो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ एक रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए और मैं आज रिएक्ट करने वाला हूँ उन कमेंट्स पर जो आपने मेरे Q&A अनाउंसमेंट वाली वीडियो पे करी है तो यार स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ यार इसे स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यार अगर किसी का भी नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ तो यार प्लीज माफ कर देना मुझे देखो आप लोगों को ये बात सच है मैं प्रोनाउंसिएशन में अच्छा नहीं हूँ मैं अपने हाथ पहले ऊपर कर रहा हूँ सॉरी ये रही हमारी फर्स्ट गेम प्ले इस चैनल की
आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक रोस्टर हूँ? या मैंने ये बात इसलिए बोली बिकॉज सभी लोग मैं गेम प्ले यूज करता था और सभी लोग मुझे सिर्फ रोस्टर बोलते थे. मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मुझे पता था मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है यार, बहुत सारी चीजें थी माइंड में. अरे नहीं यार, मुझे गेम्स खेलना भी पसंद है. तो यार मेरी नजरों में एक नई गेम आई, एक्चुअली वो बहुत पुरानी है, बहुत पहले लॉन्च हो चुकी है, लेकिन मेरी नजरों में अब आई और बहुत खेलने का मन था. तो मैं आज लैपटॉप लेके छत पे आ गया हूँ और सोचा कि यार क्या मैंने एक्चुअली ये गेम छत पे खेली थी यार. 11 बज रहे थे और मैंने लैपटॉप को, मेरे फ्रेंड का लैपटॉप था, मेरा नहीं, मेरे कंप्यूटर में गेम्स नहीं चलती थी जो उस टाइम मेरा कंप्यूटर था, एंड मैंने टेबल लगाया, उस पर लैपटॉप रखा और गेट बंद करके लिटरली ये गेम मैंने छत पे खेली थी. आप लोगों के साथ खेलूं ये गेम. तो ये एक हॉरर गेम है जिसका नाम है आइज द हॉरर गेम. और इस टाइम 11:30 बज रहे हैं और मैं अपनी छत पे बैठा हूँ. देखो कितना बड़ा बेवकूफ हूँ. तो चलो चलते हैं. कहाँ से कहाँ? वो आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई. भागो 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 भागो. इस वीडियो के अपलोड करने के बाद मैं लोगों को मैंने ये वीडियो इसलिए अपलोड करी थी ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं इस बीस्ट बॉय शुभ से तुम बहुत सारी उम्मीदें रख सकते हो. मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं तुम लोगों के लिए, सिर्फ मेरे को रोस्टर का नाम दे के मत छोड़ो. और ये है आखिर आगे एक मिनट. ये है हमारा बीस्ट बॉय शुभ फेस रिवील. जब मैंने अपना फेस रिवील करा था, एक्चुअली मेरा फेस रिवील कुछ इतना बड़ा सरप्राइज नहीं था. जब मेरे 300 सब्स थे मैंने तभी अपना फेस रिवील कर दिया था. उसका रीजन ये था कि मैं बहुत सारी अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाना चाहता था और उसमें मेरा फेस इन्वॉल्व होना जरूरी था. आ गया वो टाइम, आज आप लोगों के सामने बीस्ट बॉय शुभ के थोपड़े का पर्दाफाश होने वाला है. और ये बीस्ट बॉय आया आपके सामने और ये आया मुझे आवाज निकाल रहा है. अपनी प्यारी वीडियो देखी कैसे फील होता है उसका फेस देखो. करता हूँ यार सब बढ़िया ही होगा. तो मेरा नाम है बीस्ट बॉय शुभ. ये सरप्राइज ये रहा मेरा फेस. क्या मस्त प्लानिंग करी थी मैंने. हाँ डोरेमोन को लाके अचानक से अपना चेहरा दिखाओ. मैं यार जीनियस हूँ पहले से ही. कितना पतला सा था, बुरा था पर कोई बात. मैं मोटा हो गया हूँ ना, मेरे गले फूल गए हैं यार. तो क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा. कह रहा हूँ मुझे भी ना बिल्कुल आदत नहीं है इन वेबकैम्स वगैरह की. भाई कैसे होगी, मैं रोज रोज यार वीडियो चैटिंग थोड़ी करता हूँ फॉरेन गर्ल्स के साथ. क्या बात. अच्छा लग रहा है बोलते हुए, अच्छा लग रहा है. ज़्यादा एक्सप्रेसिव था पहले. तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अपने एक्सप्रेशन ज़्यादा है उस वक्त. ये मेरा वेबकैम C270 था जिससे मैंने ये रिकॉर्ड करी थी एंड लिटरली इतनी अच्छी क्वालिटी आई थी मैं देख के शॉक था. बट इसके आने वाली वीडियोस में उस वेबकैम ने धोखा दे दिया पता नहीं क्यों. कैसी कैसी हरकतें करी हुई हैं यार मैंने. मैंने तो वियर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था. Oh my God, acting मेरी ये weird. और ये बाल कैसे बना रखे हैं मैंने, ये क्या ड्रामा है. Next question है सौरभ रसल का. भाई अगर तुझे परदेसी गर्ल ने प्रपोज किया तो तू क्या करेगा? Yes or no? परदेसी गर्ल मुझे प्रपोज मारेगी? परदेसी गर्ल मुझे? No. Wait a minute. Reason? Because I deserve a lot better. एक और PewDiePie की कॉपी. Awesome Saturday. मैंने सोचा अगर PewDiePie का फ्राइडे हो सकता है तो मेरा सैटरडे क्यों नहीं हो सकता. मैंने कहा था वर्ड संभाल अपने बीस बॉय. जल्दी नहीं है, आराम से कर ले. क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इतने ड्रामे कर रहे हैं यार, ड्रामेबाज था मैं तो पूरा. इसे क्योंकि यार तुम लोगों को पता है पूरे हफ्ते. ओह इजी डरा रहा तू अब मुझे. वो बेचारे डोरेमोन की ऐसी तैसी कर दी थी मैंने यहाँ पीट पीट. इस डोरेमोन ने मेरी वीडियोस बनाने में बहुत साथ दिया है सच में. एक तो हाथ देना पड़ता कर क्या रहे ऐसे ही कर रहे हैं. क्या था तो वेरी क्या मैं सच में ये सोचता था कि ऐसी वीडियो से लोग मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे. लाइक करना चाहिए तुम लोगों को.
मेरी सारी वीडियोस लाइक करा, उसे खुद नहीं लाइक कर रखी अब तक। बस 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 बहुत है, नहीं नहीं बहुत है। और ये है बीस बॉय शुभ का पहला, जिंदगी का पहला व्लॉग जो मैंने बनाया था। हे व्हाट्सअप गाइस, ओह रॉन्ग इंट्रो, बूम, क्या हाल है आप लोगों के, उम्मीद करता हूँ यार सब बढ़िया ही होगा। इस टाइम इतनी ठंड हो रही थी, लाइक तुम लोग पीछे फॉग देख सकते हो, और मेरी सबसे बड़ी गलती, मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अगर मैं ऐसे करके ब्लॉग बनाऊंगा फोन को सीधा रख के तो वो पोर्ट्रेट मोड में आएगा। जब मैंने ये वीडियो को कंप्यूटर में डाला एडिटिंग के लिए, आई वाज लाइक क्या बात है, क्या कर दिया तूने, ब्लॉग की ऐसी तैसी कर दी शुभम। मैं एक्चुअली बहुत लेट हो चुका हूँ, कई बंदों ने मेरे पीसी स्पेक्स के बारे में पूछा था, तो वो यहाँ पर हमारी बस बहुत लेट थी बिकॉज जाम लगा हुआ था बाहर, मुझे अच्छी तरह याद है। एंड जब हम आए, मेरे सारे बस के बच्चे भाग गए क्योंकि इस दिन मेरा एक्सटर्नल था, लाइक कॉलेज में एक्सटर्नल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यार, उससे बहुत मार्क्स डिपेंड करते हैं, और सारे बच्चे एक्सटर्नल देने के लिए भाग गए। लेकिन मैं भाई साहब बीस बॉय शुभ हूँ, आखिर मैं अपना व्लॉग बना रहा था यहाँ पर बिकॉज मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट चीज है, बतानी चाहिए व्लॉग में, और मेरे को कोई परवाह नहीं है, अंदर एक्सटर्नल चल रहा है कोई बात नहीं है, मेरी बस लेट है कोई बात नहीं, मुझे व्लॉग पूरा करना है, पढ़ाकू है ना, एक्सटर्नल बहुत ही ज्यादा गजब गया है, कसम से बिल्कुल गजब नहीं गया। सही बात है, मेरा एक्सटर्नल बिल्कुल गजब नहीं गया, मैंने तैयारी नहीं करी थी यार, मैं सिर्फ ब्लॉग की प्लानिंग कर रहा था, हाँ यार ठीक है भाई कल ब्लॉग बनाना है मुझे। और ये देखो बीस बॉय शुभ का ओरिजिनल कंटेंट, टॉप सिक्स, क्या हाल है आप लोगों के, उम्मीद करता हूँ यार सब बढ़िया ही होगा। तुम लोगों को पता है दिक्कत क्या है, बहुत ही ज्यादा अजीब और खतरनाक चीजें हैं, टॉप सिक्स शॉकिंग वेबसाइट्स, मुझे लगा मुझे कुछ नया करना चाहिए, दैट्स व्हाई। तो सबसे पहली साइट है हमारी स्पेशल फ्राइड राइस, Let's check it out. मैं ये वीडियो नहीं देखना चाहता, बहुत ही अजीब वीडियो है। एक और ओरिजिनल कंटेंट, और मेरी वेबकैम की हालत देखो, ये वही वाला वेबकैम है जो मैंने फेस रिवील में यूज किया था, देख रहे हो कितना बड़ा धोखा दिया था इसने मुझे। आजकल की बातें, ये मैंने ये सोचा था कि जो अभी की जो आसपास की ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है उसको मैं इसमें शेयर करा करूंगा, बिल्कुल शुभ न्यूज लेकिन बहुत ओल्ड वाला। Hey, what's up guys? क्या ना आप लोग, उम्मीद करते हैं यार सब बढ़िया ही होगा, मजा नहीं आया, क्या ला है आप लोग, उम्मीद करता हूँ यार सब क्या ला है। मैं कुछ नहीं कर सकता यार, पुराने वाला बिजनेस, मैं सच में कुछ नहीं कर सकता, बीटेक आई क्विट, आई एम बैक, नोबडी फकिंग केयर्स। क्या यार, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टाइम चल रहा था, लाइक सबसे जो खतरनाक टाइम था वो यही टाइम था जब मैं ये वीडियो बना रहा था। लाइक पीछे देखो मेरा बैग रखा हुआ है, लाइक शायद मैं अभी आया ही था, ये मेरा लास्ट दिन था जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा था कि ठीक बहुत हो गया अब मैं भी टेक्निक करूँगा। मैं सच ही बताऊँ, शायद मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरे लिए बी टेक छोड़ने का, मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा से खुश रहा हूँ जब जिस दिन से मैंने बी टेक छोड़ी है, एंड आई थिंक कि सबसे बेस्ट प्यारा डिसीजन था, वरना अभी भी मैं थर्ड ईयर में होता और यही सोच रहा होता यार उसी टाइम मुझे छोड़ देनी चाहिए थी। ये सच्ची बात है, मैंने बीच बीच में हमारे साथ ही लग रहा है मुझे, मैं इतना पतला था यार बीटेक की वजह से ही था शायद, इतनी स्ट्रेस ले रखी थी मैंने। ये वीडियो हाउ इट फील्स व्हेन यू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स, वो वाली वीडियो जब मैंने 1000 सब्स हिट होने पे बनाई थी, रीड डिस्क्रिप्शन। हाँ, यहाँ पर मेरे लिप्स में इन्फेक्शन हो रखा था तो मैं अच्छी तरह बोल नहीं पा रहा था, बट मैं ये वीडियो बनाना चाहता था हर हालत में, एक स्पेशल वीडियो, वो मेरी एक्टिंग। ये मेरी मम्मी थी, और ये कम से कम हमने 50 बार ले लिया होगा बिकॉज मेरी मम्मी को एक्टिंग नहीं आ रही थी। इस टाइम मेरी मम्मी और दोस्त बहुत हंस रहे थे, बट मैं अपनी यहाँ पे हंसी कंट्रोल कर रहा था, नहीं हंसो मत, मुझे भी हंसी आ जाएगी, शॉट खराब हो जाएगा। बीस बॉय शुभ का रूम एज वेल एज सेटअप टू खड़ी थी, तुम लोगों को मिलेगा रे, ये वो तकिए हैं जो पलंग की जगह हर जगह मिलेंगे तुम्हें, उसके बाद चीज आती है रियल बात। 4 मिनट 12 सेकंड पे मैं फाइनली अपना सेटअप दिखा रहा हूँ पूरे घर में घूमने के बाद। आ गई अब हमारे बीस्ट पीसी की, वैसे
इस 20 पीसी में सिर्फ ये सीपीयू ही 20 था, बाकी सब पुराना, चार चार पांच पांच साल पुराना। और मैं पहले इस, ये जो मेरा हेडफोन तुम देख रहे हो, मैं इससे अपनी वीडियोस बनाता था, ये माइक को यूज करके। ओके, ये एक वीडियो थी जो मैंने बहुत ही लाइक, ये सच में सबसे ओरिजिनल कंटेंट है मेरे पूरे चैनल का। अच्छा, खुद मानता भाई ओरिजिनल नहीं है। लिया था, ततैया बोलते हैं उसे, और मैंने उस पर सोचा यार तुम लोगों को एक अपडेट देना चाहिए, लेकिन वो बहुत स्टाइलिश वे में। शुक्रिया शुक्रिया, वो चेहरा जो ततैया के काटने के बाद हो गया था, मेरी आंख कितनी सूज गई थी। बीस्ट बॉय शुभ डिस्ट्रैक, मैं सबसे डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट करना चाहता था, और इस टाइम पे डिस्ट्रैक बहुत फेमस हो रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स डिस्ट्रैक बना रहे थे, तो मैंने तय करा मैं डिस्ट्रैक बनाऊंगा, लेकिन उन्हीं यूट्यूबर्स पे जो डिस्ट्रैक बना रहे। When I was a baby, making a channel saying Baba on some beats. Get fucking newbies, you better call me Dave. Now sit back on your ass and pay attention. मैं इस diss track पर like मैं अपने आप पे proud feel करता हूँ, मैंने ये diss track बनाया। इसके like हो सकता है मेरा flow अच्छा ना हो या बहुत सारी कमियाँ लगे, जो भी music वाले मेरे को देख रहे हैं, लेकिन इसके lyrics भाई जान डाल दी थी मैंने अपनी पूरी, and it was worth it. आत्मा मेरी Let Me Scare You series. Oh my God! Another original content पूरे YouTube में, पूरे इंडिया में शायद कहीं ना मिले। तांत्रिक, भूत प्रेतों पर आजकल सब हंसते हैं, सब लोग इन चीजों को अंधविश्वास मानते हैं। Oh shit! भाई साहब, ये सीरीज क्या प्यारी सीरीज है यार। मुझे दो दिन लगते थे ये 10 मिनट की वीडियो बनाने में, इतनी एडिटिंग करनी पड़ती थी मुझे, बट मैं बहुत प्राउड करता हूँ यार इस सीरीज पे, सच में बहुत प्यारी सीरीज है ये, लोगों को पसंद आई थी बहुत ज़्यादा। हमारी आजकल की जनरेशन तो ये चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानती। मैं तुम लोगों को बिल्कुल रिकमेंड करूँगा अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो। ओके, इस वीडियो के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे आउटलास्ट खेलने के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं, दुनिया भर की रिक्वेस्ट आती है, मुझे पता है तुम लोगों को वो गेम पसंद है, पर मैं तुम्हें बता दूँ मैं आउटलास्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ दोनों गेम्स। आउटलास्ट 2 की फनी मूवमेंट्स, फनी कॉम्पिलेशन भी मैंने बना रखी है, बट ये अनलिस्टेड है, जो जिसके पास सिर्फ लिंक है वही देख सकता है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जितनी वीडियोस मैं देख रहा हूँ सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो। कौन है? अगर तुम लोग देखना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ये आज की रिएक्शन की लास्ट वीडियो, चन्ना मेरिया का कवर मैंने बनाया था बहुत पहले जब मैं गिटार बजाता था रेगुलरली, अब एक साल हो गया गिटार बजाए, आई थिंक ये बहुत अच्छा बना था, दैट्स व्हाई मैंने इसे अपलोड किया हुआ है, लेकिन ये अनलिस्टेड है, प्राइवेट से अनलिस्टेड करके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। ओके, बहुत प्यारी जर्नी थी ये, जीरो से 100,000 सब्स तक की, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ड्रीम देखा था जब 1,000 सब्स हुए थे कि यार अब 100,000 सब्स तक पहुंचना है, और आज वो दिन है जब 100,000 सब्स कंप्लीट हुए हैं हमारे, बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये फीलिंग शेयर नहीं करी जा सकती, बट जो 99999 और 1,00,000 में जो डिफरेंस है ना, वो एक सब का डिफरेंस है, कोई बात नहीं, लेकिन जो फीलिंग है ना वो बहुत बड़ी फीलिंग है जो चेंज होती है अचानक से, ये फीलिंग को लाने वाले यार आप लोग हो, तो बहुत 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 बड़ा थैंक यू जो तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो, हमेशा कमेंट करते हो अच्छी अच्छी, मुझे मोटिवेट करते हो ताकि मैं और अच्छी अच्छी ड्रीम था वो शिफ्ट हो चुका है 1,000,000 पे, लेट्स गो बेबी 1,000,000 सब्सक्राइबर्स के लिए, अब हमें तबाही मचानी है थोड़ी सी यूट्यूब पे, गाइस एक बार फिर बोल रहे हैं मुझे कोई अजीब नहीं लगेगा, थैंक यू सो मच इतनी तबाही मचाने के लिए मेरे चैनल पे, कि हम लोग 100,000 सब्स पे हैं फाइनली यार, अब टाइम आ गया है गुड बाय बोलने का, ताकि मैं तुम लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज बना सकूँ जाके, आप लोग यार मेरी वीडियोज ऐसे ही देखते रहना, सपोर्ट करते रहना, आई प्रॉमिस तबाही मचा के रख देंगे यार, बसड़ मचा देंगे गंदे वाली, और अब मैं चलता हूँ दूसरी वीडियो बनाने, गुड बाय। सर ये वीडियो थी स्पेशल, इट्स अ काइंड ऑफ जर्नी ऑफ बीस्ट बॉय शो, वही वही पूरी जर्नी हमने भी देख लिया साथ साथ में, सब कुछ देख गए, बहुत अच्छी चीज, क्या क्या किया, क्या क्या यू नो क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए अपने ये चैनल पे, वो सब देखा हमने, सो बहुत सारी चीजें दिखाई इन्होंने अपनी चैनल की पूरी ग्रोथ, या फिर जो जहाँ से स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो से लेकर, और यार बीटेक मेरे को लग रहा भाई हमारे साथ के, मुझे लगा, और जो तुम कह रहे थे कुछ बीच में
कुछ बोल रही थी ना तुम बीच में। हाँ, मैं बोल रही थी, वीर कह रहा था कि पुरानी वीडियोस में ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया है, राइट? बट मैं बात करूं, मैं हमारी वीडियोस की भी बात करूं तो पुरानी वीडियो अगर उठा के देखो तो वीर का एक्साइटमेंट लेवल भी अब पार था पहले, और अब जाके वो थोड़ा सा यू नो एक्चुअल कंट्रोल पे आया जो कि एक्चुअल में ये है, तो वो भी मुझे वही लग रहा था कि वो एक्साइटमेंट जो लेवल था स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था, और अब वो एक्चुअल जो है वो अब वो हो चुका है। वो होता होता है, मैं कॉन्फिडेंस लेवल वाली बात है, स्टार्टिंग में बिल्कुल ही एक्साइटेड होते हो, धीरे-धीरे अपने लेवल पर अपने आप को है ना एक्स्ट्रा दिखाने, वो तो वो थोड़ा सा अपने आप को ठीक से दिखाने की वजह से वो एक्स्ट्रा हो जाता था। अब भी तो मुझे पता है ठीक है, अब तो दोस्त यार हो चुके, अब तो ये और हम सब दोस्त है, पहले तो ये था यार सामने कोई देख रहा है चलो शुरू करो, मैं तो ऐसे बैठता भी ऐसे, तो मैं लाइफ बहुत कुछ सिखाती है दोस्त, इसलिए ना टाइम के साथ वो मैच्योर हो गया, मैं पहले नहीं था मैच्योर, मेरे को ये लगता है मुझे पहले ज्यादा हंसी क्यों आती थी, मैं अभी वीडियो सीखता हूँ उस इतना हंसने वाली बात तो नहीं थी इस बात पर। Exactly, मैं पहले ये चीज सामने के सामने टोकती थी, अंदर ये मतलब मुझे होता था यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट अभी खुद ये चीज इस बात से लोगों ने ना लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे यार भाई तू पहले जो हंसता था ना बहुत, सो व्हाई यू चेंज योरसेल्फ बी द सेम वन ना, या तो वो मैं जो रियल में था उस वक्त वो रियल में था, अब मैं वो ओवर एक्साइटेड थी अभी रियल है, नहीं 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 वो आप लोग अच्छा मैं ज्यादा नहीं हंसता था, बीज बॉय शिप की जर्नी एंजॉय की हो, और आप अगर चाहते हैं कि हम और वीज बॉय शो की हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं 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 बता रहा कमेंट सेक्शन, नो 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 देखो नहीं, देखो बीस बॉय शिप की वीडियोस गेम प्लेज होती है मैक्सिमम, और उसका गेम प्ले बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, मुझे टोकेगा यहां पे इसलिए नहीं, बहुत बढ़िया है यार, नहीं देखो मैं उसको पसंद लेता हूं, मैंने अभी लास्ट भी वीडियोस देखी उसकी जो उसने भाई ने अभी गेम प्ले डाला है, मैं उसका पूरी वो सीरीज देख रहा हूं जिसमें स्पेस वाली वो मैंने पूरी देख ली है ऑलरेडी, मतलब वही बात ना, उसके लिए लेट ना पड़ेगा यार, तुम चाहते हो मैं लेट कर देखो तो कोई प्रॉब्लम, मैं लेट कर देखूंगा, मतलब ऐसे बैठ कर देखो, फिर आप अकेले रिएक्शन देखिएगा वीर के, फॉर्मली देखो अभी अभी भी फॉर्मली बैठे यार, ऐसे तो इनफॉर्मली तो ऐसे तो नहीं बैठे थे, अरे एक एक कर लिए मम्मी आ हुआ रुक जा ऐसे वाली चीज नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा हमें डिग्निटी मेंटेन नहीं, और वैसे वैसे भी हम थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं, डैडी मुचाली मेरे तो बढ़िया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर हो गया हूं। सो होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया, अगर इस वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इफ यू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग योर सजेशंस, कमेंट सब कुछ करते रहिए, सो टिल देन बो। अब मैं हां ये बोल रहा था एक्सप्रेसिव ज्यादा है भाई, बीस बोश बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव था उस वक्त, और मैं उस वक्त ज्यादा ओवर वो था, तो फर्क है उसमें, सो लेट सो बाय बाय बाय।